नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और मैं आज आपको फिर से लेकर आया हूं उधमपुर के मुख्य बस अड्डे में। और आज हम जहां जा रहे हैं वो है कटरा रियासी रास्ते पर स्थित बाबा जीतो जी के मंदिर में। 500 वर्ष पुरानी ये कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है। आज भी उस मंदिर की उतनी ही मान्यता है जो 500 वर्ष पुरानी थी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले समय पे हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखा पाएं। और आइए मेरे साथ चले टिकट काउंटर की तरफ। वो रखना कट के लिए घटिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उधमपुर का टिकट काउंटर है और कटरा की गाड़ी लेकर हमें यहाँ से कटरा वाली बस में बैठना है। तो देखिए आप, इस बस अड्डे पर हम पहुंचे हैं। हमारे पीछे ये जो गाड़ी लगी हुई है ये कटरा रियासी की तरफ जा रही है और आज हमारी जो मंजिल है वो अघार जीतो जी का मंदिर है। तो हम इसी गाड़ी में बैठकर सीधा रियासी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं हाईवे पर। आप जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये उधमपुर की तरफ जा रहा है और जो मेरे आगे रास्ता देख रहे हैं ये जम्मू की तरफ जा रहा है। और हमारी जो आज की मंजिल है वो कटरा रियासी की तरफ है और हम जम्मू वाले रास्ते में जाएंगे। आगे जाके हमको वो रास्ता दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जो मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं ये उधमपुर से आ रहा है और ये जो मेरे सामने आप रास्ता देख रहे हैं जम्मू की तरफ जा रहा है। लेकिन आज हम जिस स्थान की तरफ जा रहे हैं, अघार जीतो रियासी कटरा की तरफ, और वो रास्ता हमारे सीधे हाथ की तरफ जाता है और हमने यहाँ से अपनी गाड़ी को घुमा के इस रास्ते से जाना है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बांसा मोड़ एरिया में और ये बांसा मोड़ एरिया है, ये अघार जीतो मंदिर की तरफ जाते हुए एक फेमस प्लेस है और यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है कलाड़ी। और आप अगर जब यहाँ जाओ तो यहाँ की कलाड़ी ज़रूर खा के जाना क्योंकि यहाँ की कलाड़ी बहुत फेमस है। अघार जीतो समय मंदिर में जाते समय यहाँ पर आप आएँ तो ये देखिए आप, भैया की कलाड़ी शॉप है। तो अभी हमें यहाँ पर आकर कलाड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो आप जब भी यहाँ पर अघार जीतो की तरफ आएं तो यहाँ पर कलाड़ी जरूर खाएं। देखिए किस प्रकार ये जम्मू कश्मीर की स्पेशलिटी, इसको कलाड़ी कहा जाता है। तो इस समय हम खड़े हुए हैं नेशनल कैफेटेरिया बांसे मोड़ में। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु, जो वैष्णो देवी जाता है या अघार जीतो जाता है तो वो यहाँ रुक कर कलाड़ी जरूर खाता है। तो हम भैया से ही बात करते हैं कि कितनी पुरानी इनकी दुकान है और ये कब से यहाँ कलाड़ी बेच रहे हैं। भैया कितनी पुरानी आपकी दुकान है? 1998 की बनी हुई है। यहाँ पर जो भी यात्री आता है वो कलाड़ी खाता है? कलाड़ी खाता है, यहाँ की फेमस डिश है जम्मू एंड कश्मीर की। तो भैया कह रहे हैं यहाँ की फेमस डिश है जम्मू कश्मीर की, आप जब भी इस रास्ते में आए तो कलाड़ी जरूर खाएं। हम जब खाएंगे तो इसका स्वाद आपको जरूर बताएंगे।
तो देखिए हमारी कलाड़ी हमारे पास पहुंच चुकी है। अभी हम ज्यादा इंतजार ना करते हुए इसको हम टेस्ट करेंगे। वाह, ये है जम्मू कश्मीर की फेमस कलाड़ी। क्या स्वाद है और क्या मजा है। तो दोस्तों इस समय मैं कटरा बस स्टैंड के पास से निकलकर आपको जेएनके टूरिज्म का बोर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। 5 किलोमीटर यहाँ से दूर हमारी मंजिल है बाबा अगार जीतो जी, जहाँ पर हम जा रहे हैं इस समय। कटरा बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो हम पहुंच चुके हैं अगार जीतो नामक स्थान पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाजार है। यहाँ पर आप पहुंचकर अगर आपको भूख लगी हो या आप थकावट महसूस कर रहे हो, किसी भी दुकान पर यहाँ बैठकर चाय नाश्ता ले सकते हैं, समोसे खा सकते हैं, गरम गरम पकोड़े खा सकते हैं गरम गरम। और ये सारा का सारा बाज़ार अगार जीतो जी के ये बाज़ार है। और उसके बाद में आप देखिए ये है मंदिर का, बाबा जी के मंदिर का मुख्य द्वार। तो आइए आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए सीधा अभी मंदिर की तरफ ही आपको लेके जाते हैं। ये है बाबा जीतो जी का वह ऐतिहासिक मंदिर जो पिछले 500 वर्ष से यहाँ पर बाबा जी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ बाबा जीतो जी के मंदिर में। तो आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये बाबा जीतो जी की प्रतिमा है। और उनके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये माँ वैष्णो देवी स्वयं कन्या के रूप में बाबा जीतो जी के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बाबा जी इस समय सामने त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और उनके जो हाथ में है ये माँ गौरी, इनको कौरी कहा जाता है, और ये माँ वैष्णो देवी जी का ही अवतार है जो बाबा जी के हाथों में है। तो इस समय हम अगार जीतो जी के मंदिर में खड़े हुए हैं। तो हमें पंडित जी पूरे दर्शन कराएंगे कि कहाँ पर बाबा जीतो जी हैं, कहाँ पर माँ गौरी है और कहाँ पर माँ वैष्णो जी है। आइए आपको पहले दर्शन कराते हैं राजा मंडी जी के। प्राचीन दर्शन है ये है, पहले सेंटर में राजा मंडी थी, उनके इस तरफ पीछे बाबा कालीवीर, इधर नरसिंह। बाबा जीतो जी हाथ में गड़बा लिया है, दूसरे में बाबा जीतो जी है हाथ में इन्होंने कटार पकड़ी है। वो सेंटर में जो गोल सा दिख रहा है वो है चंद्रदेव, इनकी कन्या जो जिनका नाम बुआ कौड़ी है, माता वैष्णो जी का ये है बुआ कौड़ी जी। दूसरा दर्शन, आइए आपको लास्ट माता जी के दर्शन का। ये माता वैष्णो जी के दर्शन है, ये लास्ट दर्शन है।
तो हम बाबा जीतो जी के स्थान पर, बाबा जीतो जी के मंदिर में एकदम पहुंच चुके हैं। और ये देखिए आप, पूरी कहानी बाबा जीतो जी की लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है और ये कितना पुराना मंदिर है। पंडित जी, पहले आप अपना नाम बताएं और मंदिर बाबा जी की पूरी कहानी बताएं। मेरा नाम हैप्पी शर्मा है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं वो इस मंदिर में आते हैं, ठीक है। एक बार पहली बार आके स्नान करते हैं, फिर अगले साल आते हैं। जिसने लड़का मांगा उसके घर लड़का होता है, जिसने लड़की मांगी हो उसके घर लड़की होती है, ठीक है। बाबा जी थे माता जी के परम भक्त, यहाँ से रोज नंगे पाँव जाया करते थे भवन में। पहले दर्शन करते, पहले जाके स्नान किया करते थे, फिर माता जी के दर्शन करते थे। ऐसे करते उनको 12 साल हो गए। जब 12 सालों के बाद माता जी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने दर्शन करने के बाद 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में माता जी से जल मांगा। जल की विशेषता मैंने आपको पहले बता दी कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं वो इधर आते हैं, इसी जल में स्नान करते हैं। इसके घर की एक और विशेषता है कि जिसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, छाया पाया हो किसी का, वो भी इधर आके एक बार स्नान करता है। एक बार स्नान करने से ही वो ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा था कि माता आपकी जैसी एक कन्या मेरे घर में होनी चाहिए, तो आपने अंदर उनके दर्शन किए। इस कन्या का नाम बुआ कोढ़ी है, बाबा जी की कन्या है, माता वैष्णो जी का दूसरा अवतार। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये बाबा जीतो जी का मंदिर है, ठीक है। इन्होंने 12 साल भक्ति की थी, मैंने आपको बता दिया। ये लगभग 1000 साल पुराना है। जहाँ से कटरा की रोड है, ठीक है, इस रोड पे हाईवे रोड है, इधर से जाओगे शिवकोड़ी तो पहला दर्शन आता है बाबा जीतो जी का, दूसरा नवदेवी का, तीसरा आता है चार बाबा, उसके बाद आप पहुँचोगे शिवकोड़ी। तो जैसे ही आप माता जी के दर्शन करके आओगे कटरा से, कटरा से आओगे आप शिवकोड़ी की ओर, पहला दर्शन आप बाबा जी का ही पाओगे, क्योंकि जय माता के परम भक्त। तो देखा आपने, पंडित जी ने बताया कि ये जो बाबा जीतो जी हैं ये परम भगत हैं। तो ये 12 साल लगातार वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते रहे, ऊपर पैदल यहाँ से जाते थे, पगडंडी के रास्ते के जरिए जाते थे। और माता जी जब इन पर प्रसन्न होगी, पंडित जी का यही कहना है, जब माता जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो बाबा जीतो जी ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि हमारे यहाँ पर गाँव में पानी नहीं है, पंडित जी का कहना है कि वहाँ पर जल होना चाहिए। तो 5 धाराओं में यहाँ पर बाबा जीतो जी ने अपने आशीर्वाद से यहाँ पर जल की 5 धाराएँ बहती हैं, 7 धाराएं बहती हैं पंडित जी का कहना है। तो हम अभी सीधा उन्हीं धाराओं के पास आपको लेकर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं बाबा जीतो जी के स्थान पर, जहां पर पंडित जी का कहना है कि यहां पर जो माता वैष्णो के चरणों से जल आता है, बाबा जी ने यहां पर कैसे पहुंचाया ये पंडित जी हमें बताएंगे, और कहां कहां ये धाराएं हैं पंडित जी बताएंगे। नमस्कार। तो बाबा जी को माता ने 2 वरदान दिए। पहले वरदान में बाबा जी ने जल मांगा था, तो माता जी ने उनको एक जड़ी दी, तो उस जड़ी से बाबा जी ने जहाँ जहाँ निशान लगाए वहाँ पहले पहले एक दिन दूध आया था, तो यहाँ पे बाबा जी ने पहला निशान लगाया है, ठीक है। पहले एक दिन जहाँ पे दूध आया उसके बाद जल आना शुरू हो गया। तो आगे आइए, आपको मैं मेन दर्शन कराता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बच्चे के लिए स्नान किए जाते हैं, आपको उस धारा के दर्शन कराते हैं। ये 7 धाराएँ आ रही हैं, बाबा जी ने 7 जगह निशान लगाया था, ठीक है। बाबा जी ने कहा था कि मुझे आपका पता कैसे चलेगा कि ये जल आपके है, क्योंकि हमारा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। पहाड़ी एरिया में कहीं भी मैं थोड़ी सी भी खरोच लगाऊं तो जल निकल आएगा, इसीलिए माता जी ने कहा था कि आप जहाँ जहाँ निशान लगाओगे पहले वहाँ एक दिन दूध आएगा, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कि बुआ कोढ़ी जी का अवतार कहाँ हुआ था। तो आपको मैंने कहा था कि आपके मेन दर्शन कराते हैं जहाँ पे बच्चे के लिए स्नान किया जाता, आइए आपको दर्शन कराते हैं जहाँ पे बाबा जी ने खुद पगड़ी में से माता जी ने अवतार लिया था। आइए, ये वो मेन धारा है जहाँ पे स्नान किया जाता है बच्चे के लिए, ठीक है। ये जो छोटा सी जगह देख रहे हो जहाँ पे अवतार लिया था बुआ कोढ़ी जी ने, वो बाबा जी की पगड़ी से प्रकट हुई थी, कमल के फूल से, यहीं पे बाबा जी स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद उन्होंने पगड़ी जहाँ रखी थी अपनी, पगड़ी उठाने लगे तो पगड़ी में देखा एक छोटी सी कन्या थी, उस कन्या का नाम बुआ कोढ़ी था। इसी धारा में स्नान किया जाता है बच्चे के लिए, जहाँ किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना किया हो, छाया बाया हो, कुछ भी हो, एक बार आके वो इधर स्नान करते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है।
हम बाबा जीतो जी के घर के उनके प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ पर बाबा जीतो जी स्वयं विराजमान होते थे, बैठते थे। तो चलिए, यहाँ की जो मान्यता है वो पंडित जी से ही पूछते हैं, वही हमें बताएंगे। इसकी जय महानता जी की, जैसे सुबह बाबा जी नंगे पांव देवी जाया करते थे, वैसे ही शाम को माता जी का ध्यान इधर बैठ के किया करते थे। ये जो आप देख रहे हो, ये अभी पत्थर बन चुका है, पहले एक पेड़ था, इसी पेड़ के नीचे बैठ के बाबा जी माता जी का शाम को ध्यान किया करते थे। जैसे बाबा जी शहीद हो गए, उसके बाद ये पेड़ सूखते धीरे धीरे सूख गया, उसके बाद पत्थर में हो गया। अभी आपको बाबा जी का घर दिखाएंगे आगे। हम इस जगह खड़े हैं, पंडित जी हमें खुद ही बताएंगे कि ये कौन सा स्थान है और हम इस समय कहाँ खड़े हैं। ये स्थान है, जैसे बाबा जीतो जी है ना, वो उनका प्रांगण है जहाँ माता वैष्णो जी बुआ कुड़ी के रूप में खेला करते थे। तो यहाँ पे बाबा जी का घर था इस स्थान पे। अभी इधर मंदिर बनाया गया, पहले जो था बाबा जी का सभी जो घर का सामान होता है वो यहीं से मिला था, तो यहाँ पे बाबा जी का घर था। ठीक है, यहाँ पे घर है, तो बाबा जी जो राजा मंडरी की चौकी किया करते थे, वो राजा जी का स्थान थोड़ा आगे है, अभी उधर भी जाएंगे, आप पहले घर के दर्शन कर लीजिए। तो ये हम जिस समय यहाँ पर खड़े हैं, ये है बाबा जीतो जी का घर, और कितनी शांति। तो 1000 वर्ष पूर्व पहले बाबा जीतो जी जिस स्थान पर बैठते थे, आज हम उनकी कृपा से यहाँ पर इस स्थान पर बैठे हुए हैं। एक शांति, अलौकिक शक्ति जो हमें प्रदान हो रही है, वह मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार यहाँ पर आए और बाबा जीतो जी के दर्शन करें। और ये 1000 साल पुराना स्थान जहाँ पर हम बैठे हैं, आप भी यहाँ पर बैठें और यहाँ पर आकर बाबा जी का आशीर्वाद जरूर लें, एक बार जरूर यहाँ पर आएँ। हाँ जी, यहीं पे बाबा जी बैठा भी करते थे, यहीं पे उनका घर था, यहीं से रोज सुबह उठ के पहले खेती बाड़ी का काम करते थे। उन्होंने 2 बैल रखे थे, ठीक है, खेती बाड़ी का काम करते थे, उनको लिए घास वगैरह लाके फिर जाया करते थे स्नान करने माता वैष्णो यहीं से। तो ये आगे जो मैंने बताया वो बाबा जी के बैल भी हैं, उनके भी दर्शन कराएंगे आपको। ठीक है, आइए। तो बाबा जीतो जी के मंदिर के पास ही एक और मंदिर है, देवस्थान है, तो पंडित जी से ही पूछेंगे, वही इसके बारे में बताएंगे कि ये कौन सा स्थान है। जिस स्थान वही है बाबा जीतो जी का ही है, लेकिन जो बाबा जीतो जी राजा की सेवा किया करते थे, राजा मंडरी जी की, तो इधर रखे थे उन्होंने राजा मंडरी, उधर उनका घर था जहाँ पे राजा मंडरी थे। वो जैसे ही माता जी की सेवा करके वापस आते थे, उसके बाद गोगा वीर जिनको बोलते हैं राजा मंडरी, उनकी सेवा करते थे दिन रात। तो इधर ही बाबा जी गोगा जी की चौकी भी किया करते थे। तो इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। पंडित जी अभी हमको सभी देवताओं के दर्शन यहाँ पर करवाएंगे खुद ही। आइए, आपको सबके दर्शन कराते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये किसका स्थान है। ये हैं माता वैष्णो जी, पहले दर्शन ये वाले माता वैष्णो जी के हैं, उनके साथ में उनका अवतार जो है कन्या के रूप में बुआ कोड़ी नाम है, ये बुआ कोड़ी जी, ये बाबा जीतो जी, ठीक है, ये हैं उनके कुलदेव राजा मंडरी, और उनके बाबा जी के कुलदेव एक होते बाबा कालीवीर जी। तो जो बाबा जी गरबा लेके जाते थे अपने साथ में माता जी के, वो जे वाला गरबा, तो बाबा जी का कटार था जिसको मार के वो शहीद हुए थे, वो ये कटार बाबा।
शर्मा जी का सभी सामान जो उनका था वो सभी इधर ही है, जो भी खेती बाड़ी में जो काम आता था उनके वो सभी सामान इधर ही है। तो आपने देखा ये जो गढ़वा इन्होंने दिखाया पंडित जी ने, ये गढ़वा 1000 साल पहले का है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये गढ़वा जो आप देख रहे हैं इस समय, ये 1000 साल पहले बाबा जी इसको, इस गढ़वे को लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने जाते थे। और ये जो कटार आप देख रहे हैं जो साथ में है, ये बाबा जी इसी कटार के साथ शहीद हुए थे। और ये जो बाकी सामान है उनके खेती बाड़ी का सामान है, ये 1000 साल पुराना सामान है। ये है वो ऐतिहासिक गढ़वा जो बाबा जित्तू जी का 1000 साल पुराना गढ़वा है। इसका इतिहास क्या है ये हमें पंडित जी ही बताएंगे। इस गढ़वे का ये इतिहास है कि मैंने आपको बताया, माता जी में जब बाबा जी इधर से माता जी जाया करते थे, पहले वो स्नान किया करते थे इसी गढ़वे को लेके, माता भवन के जाया करते थे। पहले स्नान करने के बाद माता जी के दर्शन किया करते थे, फिर आते समय एक गढ़वा वहाँ से जल ले आया करते थे, क्योंकि हमारे गाँव में जल नहीं था। बाबा जी ने 2 बैल रखे थे, वो किसान थे, अब आके वो अपने बैलों को इसी गढ़वे से जल पिलाया करते थे, ठीक है। फिर पूरे गांव को इसी एक गढ़वे से जल दिया जाता था, जिसको जितनी ज़रूरत हो इसी गढ़वे से लेता था। जब बाबा जी दूसरे दिन जाते थे माता वैष्णो, तो इसी गढ़वे में आधा गढ़वा जल होता था। मतलब कि इतना चमत्कारी है, इसका कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या समझाएं, ठीक है। जब दूसरे दिन जाया करते थे, तब वो अपना इस गढ़वे को तुलसी के पेड़ में जल जो होता है वो डाल के जियाया करते थे। तो हम यहाँ के पूरे जितने भी मंडली है, यहाँ की पुजारी जी हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। एक बार दोबारा जी से, पंडित जी से हम बात कर यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बाबा जित्तू जी की आपको दिखा पाएँ। तो पंडित जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद, आप इधर आए, बाबा जी की स्टोरी सुनी, आगे शेयर करी। चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।